अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक के साथ एक बार तो फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज का मेरा टॉपिक है खराटे क्यों आते हैं, जो खराटे जो लोग ज़्यादा लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो खराटे लेते हैं जिनकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, तो उसका इलाज इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से परेशान रहते हैं और इसको ठीक करने के लिए जाने बगैर मुख्तलिफ तरीके आजमाते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कभी कोई चीज़ खा ली, कभी कोई चीज़ खा ली। तो खराटों की वजह से अक्सर इंसान परेशान रहता है और कई तरह के टीके आजमाता है। उसकी वजह यह है कि दूसरे लोग उसको अक्सर टीज़ करते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो बंदा खुद होता है वो एक तो वो बीमारी की वजह से परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मगर किसी तरह से खास आराम नहीं आता। खराटों की कई वजूहत हो सकती हैं जिनमें वज़न का बढ़ना और थकावट शामिल है। वज़न का बढ़ना अपनी जगह बहुत बड़ी रीज़न है और थकावट अपनी जगह बहुत बड़ी रीज़न है। और मैं आपको ऐसा मशरूब बताता हूँ जिसका रात को इस्तेमाल, स्पेशली रात को इस्तेमाल, आपको इंशाल्लाह फाका देगा और खराटों से हमेशा के लिए मुकम्मल निजात मिल जाएगी। जी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आप खुद देख के हैरान रहेंगे। गाजरें 2 अदद, सेब 2 अदद, अदरक 1 इंच, लीमू 2 अदद। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम सब्जी की दुकान से, फ्रूट की दुकान से मिल सकती हैं। इसका तरकीब इस्तेमाल बताता हूँ आपको। अच्छा जी, तरकीब इस्तेमाल में है, तमाम अज्जा को एक ब्लेंडर में डाल लें, अच्छी तरह बारीक पीस के जूस निकाल लें इनका। और इसका इस्तेमाल उससे भी ज़्यादा आसान है कि इस मशरूब को दिन में 3 मरतबा पीने से आपको खराटों की परेशानी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स इसको आजमाइएगा, बहुत ही आसान है और नहायत ही सस्ता तरीन ये इलाज है इसका। अब कोई टैबलेट वगैरह ये एलोपैथिक या किसी और चीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।